दोस्तों देखो, सच बताऊं ना तो जितना बोरिंग ओलंपिक्स का ओपनिंग शो था ना, वैसी बोरिंग ट्रांसफर मार्केट भी चल रहा है यार। एक ही चीज़ रिसाइकल हो रही है, वेट हो रहा है भैया प्लेयर्स का। ये प्लेयर्स की छुट्टी ख़त्म नहीं हो रही है ना। हम जान रहे हैं भाई, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं 365 दिन, लेकिन भाई छुट्टी नहीं ख़त्म हो रही, इनकी छुट्टी चली जा रही है। और यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट उसी के चलते जो है वो थोड़ा सा फीका हो रखा है। एनीवेज, फीकेपन में भी जो है वो हमने कल खबरें खोजने की कोशिश करी, अनफॉर्चुनेटली सच कुछ बहुत बवाल खबर नहीं मिला, तो कल की वीडियो स्किप कर दी। आ जाए हैं वापस से, डेली 7:30 बजे वीडियोज आती हैं यार। मैं 2 महीने में पहली छुट्टी थी, माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे निको विलियम्स से रिलेटेड, येट अनदर अपडेट। वंस अगेन रिसाइकल हो रही हैं खबरें, बट कुछ कुछ नई नई चीज़ें हैं आज की वीडियो में बात करेंगे। आर्सेनल से रिलेटेड खबर है, स्पर्स से रिलेटेड खबर है, और तो और भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी रिलेटेड खबर है। तो है कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर एक चीज के साथ, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो आपके फेडरिको चिएसा से रिलेटेड, स्पर्स से रिलेटेड खबर। अब यार दोस्तों, द कहानी हियर इज दैट फेडरिको चिएसा इस आप कह सकते हैं लिंक्ड टू स्पर्स। ऐसा खबर निकल करके आ रहा है कि स्पर्स इज भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दिस इटालियन यूवेंटस का विंगर, जो कॉस्ट कर रहा है अराउंड 30 मिलियन यूरोस। अब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, देखें मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि फेडरिको चिएसा थोड़ी सी अपनी मोबिलिटी जो है वो खोया है आफ्टर द इंजरी, बट ही इज़ स्टिल अ ग्रेट विंगर, एंड एनी क्लब जो इसको पाती भैया फॉर 30 मिलियन, एक स्टील डील है, क्लब्स को वर्क करना चाहिए इसको लेने के लिए। अपेरेंटली खबर शुरुआत में निकल करके आई कि भैया स्पर्स ही जो है वो लीड कर रही इस रेस को, और हमको फेडरिको चिएसा जो है मोस्ट प्रोबेबली स्पर्स जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन आज ये खबर निकल करके आई कि स्पर्स में जब पता करे भैया यहाँ पे रिपोर्टर्स और जो स्पर्स के आसपास के लोग हैं, क्या ये सही है कि नहीं है, तो फिर ये समझ में आता है कि ये सही नहीं है। स्पर्स खुद ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि भैया चिएसा से रिलेटेड हमको कैसे लिंक किया जा रहा है। मैं वही बोला, इतना बवाल प्लेयर मतलब कैसे स्पर्स सही हो सकती है ट्रांसफर विंडो में, मैंने ये सोचा यार। मतलब ठीक है, स्पर्स भी खुद शॉक्ड है कि अरे सही ट्रांसफर हमको कैसे जो है वो भाई लिंक करा जा रहा है, हम कैसे इतना अच्छा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पता नहीं भाई स्पर्स के साथ क्या कहानी है। सो वो खबर जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं गलत साबित हो गई स्पर्स वाली। लेकिन स्टिल आप 2 घंटे पहले जस्ट खबर निकल करके आई है कि फेडरिको चिएसा का एजेंट जो है वो लंदन जाते हुए पकड़ा गया है। और लंदन में है चेल्सी, स्पर्स और आर्सेनल तो नहीं लेगी, चेल्सी और स्पर्स ही है। तो क्या वो स्पर्स वाली कहानी सच में झूठी है? और अगर चेल्सी फेडरिको चिएसा को लेती है तो भैया कमाल का डील होगा मेरे नज़र में। 30 मिलियन में ये इटालियन विंगर ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है, एजेंट लंदन गए हैं घूमने, अब देखो क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो रोहे हमारे मिकेल मोरेनो से रिलेटेड। ऑब्वियसली भाई स्पेन में यूरोस के लिए काफ़ी अहम रोल निभाया मिकेल मोरेनो ने, एज अ सुपर सब आए जो है वो भाई गेम्स में और गोल्स मार करके दिए, गजब के सेलिब्रेशंस भी जो है वो उन्होंने स्पेन में अपन को करके दिखाए, और उसी के चलते इस ट्रांसफर मार्केट में उनका नाम जो है वो भाई आ गया। बट बार्सिलोना के लिस्ट में मिकेल मोरेनो शावी के समय से था, अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना इस CDM को जो है वो अपने पास नहीं लेके आ पाया, क्योंकि उस समय जो है वो फिर प्रायोरिटी चेंज हो गई बार्सिलोना की। लेकिन फिर से इस ट्रांसफर विंडो में भी मिकेल मोरेनो बार्सिलोना के रेडार में था। अब कहानी कुछ ऐसी हो गई दोस्तों कि मिकेल मोरेनो वॉज भाई साहब वेटिंग टू सी कि क्या बार्सिलोना मेरे लिए मूव करती है कि नहीं करती है, एंड ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट बार्सिलोना। बार्सिलोना का जो है वो भाई स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर था कि वी आर ओनली एंड ओनली फोकस्ड अपॉन निको विलियम्स की डील, वंस निको विलियम्स की डील हैपेंस हम जो है वो भाई फिर देखेंगे कि क्या जो है वो हमारे डिस्पोजल में है, उसके बाद ही हम आप लोगों के ऊपर नज़र डालेंगे। आप लोगों बोले तो डैनी ओल्मो और मिकेल मोरेनो, तो इनके ऊपर नज़र पहले निको विलियम्स का डील होगा, उसके बाद ही जो है वो बार्सिलोना डालेगी, ये मिकेल मोरेनो को बोल दिया। अब मोरेनो का कहना ये है यार कि वाई शुड आई वेट फॉर FC बार्सिलोना व्हेन देयर आर ऑफर्स अवेलेबल फ्रॉम अदर क्लब्स एज वेल, और उन अदर क्लब्स में जो है वो आर्सेनल नज़र आ रही है, आर्सेनल जो है वो फ्रंट रनर नज़र आ रही है इस रियाल सोसिएडेड के CDM को पाने के लिए। अब भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं स्पेनिश फैन हूँ, ला लीगा देखता हूँ, मैंने रियाल सोसिएडेड को खेलते हुए देखा है, मैंने मिकेल मोरेनो को खेलते हुए देखा है। थॉमस पार्टी जॉर्जिनियो के ऊपर डेफिनेटली एक अपग्रेड रहेगा मिकेल मोरेनो, काफ़ी बेहतरीन सॉर्टेड CDM,
आर्टेटा अगर इसको ले आता है तो 100% खुश रहेगा। अगली खबर के ऊपर बनना है दोस्तों, तो और वो है हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड खबर। अगेन थोड़ी सी रिसाइकल्ड खबर है, बट सुन लो माज़ारुई की डील कैसे अपन को जो है वो होते हुए नज़र आ रही है। अब माज़ारुई की डील ऐसा माना जा रहा है कि पर्सनल टर्म्स जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अग्री कर चुकी है माज़ारुई के साथ टू भैया लैंड हिम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। इवन बायर्न के साथ भी जो है वो बातें बहुत ही एडवांस स्टेज में है, और जो प्राइस बाहर निकल करके आया है इस सोर्स के द्वारा वो अराउंड 21 मिलियन पाउंड्स का जो है वो फिगर है। अब 21 मिलियन पाउंड्स बोले तो वही होगा 26-25 मिलियन यूरोस, तो अराउंड आप समझिए 25 से 26 तक का जो है वो डील माज़ारुई के लिए समझ में आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बायर्न से भी बात कर ली, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने माज़ारुई से भी बात कर ली, तो अब बचा क्या? तो बचा ये कि भैया वैन बिसाका को पहले बेचेंगे, उसके बाद ही माज़ारुई को लेके आ पाएंगे। तो यहाँ पे माज़ारुई को लाने के लिए वैन बिसाका को बेचना ज़रूरी है, और वैन बिसाका जो है वो भाई साहब अभी वेस्टहैम के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है। नॉट वेरी रिलायबल रिपोर्ट, बट रिपोर्ट ऐसी समझ में आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्टहैम अग्रीड है भैया वैन बिसाका को जो है वो भाई बेचने के लिए, और वो तैयार हैं खरीदने के लिए। द ओनली थिंग पेंडिंग इज अ पर्सनल अग्रीमेंट ऑफ एरन उनबिसाका एंड वेस्टहैम। वंस एरन उनबिसाका मूव टू वेस्टहैम, माज़ारुई विल ऑटोमेटिकली कम टू भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहां से बंदा जाएगा तब वहां से आएगा। प्राइसेस क्या हैं मैंने आपको जो है वो बता दी। अब देखिए जाए वैन बिसाका तो आएंगे आपके जो है वो माज़ारुई। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है हमारे बार्सिलोना से रिलेटेड खबर रिगार्डिंग निको विलियम्स की डील। डैम ब्रो, देखें आई एम क्वाइट सैड, और मैंने इस चीज़ के बारे में ट्वीट भी किया था कि भाई खबर निकल कर के आई थी, फैब्रिजो ने बोला था कि इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स यू विल यू नो गेट टू नो कि निको विलियम्स का क्या डिसीजन है ओवर हिज फ्यूचर। भाई नेक्स्ट आवर्स क्या मैं बोलूँ, अब उस ट्वीट को आए हुए वो खबर को आए हुए कि बस अब कुछ चंद घंटों में पता चल जाएगा, 2 दिन हो गए एंड वी येट नो नथिंग अबाउट निको विलियम्स का डिसीजन। The thing here is that Barcelona, I don't know what they are doing. Maybe Nico Williams खुद वैकेशन में है, Lamine Yamal के साथ enjoyment कर रहे हैं फिलहाल, तो उसके चलते जो है वो डिले हो रहा है, I do understand. But one thing I know for sure is that Mathieu Elmeny अगर रहते हमारे साथ, ये डील अभी तक हो चुकी होती, भाई Nico Williams एक Barcelona के प्लेयर बन चुके होते। डेको बहुत जो है वो भाई स्लो है, एंड आई हैव सीन डेको फंबलिंग डील्स। आर्दा गुलर वॉज सपोज टू बी एफ सी बार्सिलोना का प्लेयर, ही इज़ इन रियल मैड्रिड जस्ट बिकॉज डेको फंबल्ड दैट डील। वो क्लाडियो जो अर्जेंटीना का खिलाड़ी था भाई, ही वॉज सपोज टू बी अ एफ सी बार्सिलोना का प्लेयर, बट ही इज़ राइट नाउ एक मैन सिटी का प्लेयर बिकॉज डेको फंबल्ड दैट डील। तो निको विलियम्स के साथ भी ना ये बहुत लेट लतीफ कर रहा है, इतना सस्पेंस में नहीं रखने वाली चीज़ है। मैथ्यू एलमेनी ने अपन को फ्री ट्रांसफ़र के रूप में भाई एक से एक बंदे ला कर के दिए, लेकिन ये बंदे को देख लो यार, ये पता नहीं क्या कर रहा है डेको। तो बार्सिलोना की इनकैपेबिलिटी नज़र आ रही है फिलहाल, बट स्टिल क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। तो रिसाइकल होकर के खबर यही है कि भाई एवरीबडी इज़ वेटिंग निको के जो है वो कहानी के लिए, कि भाई निको क्या कहता है, क्या निको जो है वो बार्सिलोना को ग्रीन लाइट देगा कि नहीं देगा। अभी भी कहानी इतनी में ही अटकी हुई है कि निको ग्रीन लाइट देगा तो बार्सिलोना रिलीज क्लॉज तुरंत पे कर देगी। बार्सिलोना के पास रिलीज क्लॉज पे करने के लिए पूरे जो है वो असला बारूद रखे हुए हैं। निको अभी तक हाँ क्यों नहीं कर रहा है, 2 रीज़न, अभी वो पार्टी कर रहा है लामिन यामाल के साथ, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि भैया निको को कन्फर्मेशन नहीं है कि बार्सिलोना उसको रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और एक और रीज़न मैं बता दे रहा हूँ, इमोशनल रीज़न। आज एथलेटिक बिलबाओ की तरफ से ये खबर निकल करके आई है कि निको ने अपने जो है वो रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ जो है वो भाई बता दिया है कि मैं कौन सी जर्सी पहनने वाला हूँ, मुझको पता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये कहानी निकल करके आ गई है उनके पास। सेकेंड चीज़ ये भी निकल करके आई है, अब ये पता नहीं यार देखो कितना रिलायबल है, निको विलियम्स ने जो है वो अपने बड़े ब्रदर यानी इनाकी विलियम्स को ये प्रॉमिस किया था कि वो यूरोपा लीग खेलेगा एथलेटिक बिलबाओ के साथ एटलीस्ट 1 सीज़न, और उन लोग यूरोपियन फुटबॉल खेलेंगे दोनों भाई विथ ईच अदर ऑन द सेम पिच। तो इस प्रॉमिस को वो जो है वो फुलफिल करने के लिए एथलेटिक बिलबाओ एक और सीज़न रुक सकता है। अब ये जो रिलीज क्लॉज है ये बढ़ जाएगा अगले सीज़न अगर एथलेटिक बिलबाओ में निको विलियम्स रुकेगा, बिकॉज निको विलियम्स के लिए एथलेटिक बिलबाओ जो है वो एक ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करके रखी हुई है। तो इफ़ निको विलियम्स डिसाइड्स टू बी एट, आप कह सकते हैं एथलेटिक बिलबाओ, एंड ही डिसाइड्स टू कंटिन्यू विद एथलेटिक बिलबाओ, वो मोस्ट प्रॉब्ली वो नया इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जिसमें एक इम्प्रूव्ड रिलीज क्लॉज होगा, एक इम्प्रूव्ड सैलरी होगी जो निको विलियम्स को मिलेगी।
अब भाई पता नहीं कितनी रिलायबल ये खबरें हैं आ रही हैं कि भाई ही इज़ नाउ क्लोज टू स्टे एट एथलेटिक बिलबाओ बिकॉज ही हैज़ प्रॉमिस्ड हिज ब्रदर टू प्ले इन यूरोपियन फुटबॉल एक बार तो साथ में, एंड सेकेंड ही वॉन्ट्स टू स्टे एट जो है वो भाई स्पेन ओनली, वो PSG वगैरह नहीं जाएगा। बट अगर वो रुकता है तो इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट रेडी है बिलबाओ की तरफ से, एंड दैट कुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ बार्सिलोना ट्राइज टू गेट निको विलियम्स इन नेक्स्ट सीजन। बट स्टिल नो कन्फर्मेशन एट, ये अभी भी अनरिलायबल चीज़ें हैं। वी आर अगेन वेटिंग फॉर निको विलियम्स की तरफ से कुछ कन्फर्मेशन, निको विलियम्स की तरफ से ग्रीन लाइट, विच फैब्रिजियो हैज टोल्ड अस कि भाई मोस्ट प्रोबेबली अपन को मंडे ट्यूसडे तक जो है वो पता चल जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद निको विलियम्स की डील, बट दिस वॉज द अपडेट विच आई एम गिविंग यू गाइस राइट नाउ। अब देखते हैं क्या होता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, गिव अवे दोस्तों, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, बिल्कुल करूँगा। कल हाई कोर्ट में मेरा पहला दिन है, लेट्स सी कैसा जाता है, क्या क्या होता है, विल अपडेट यू गाइस। बाय। DNA भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।